नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ के संक्षिप्त सार पर आधारित हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों का सार। सबसे पहले आपको बता दें कि आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। और आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग संदर्भों को अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पहली खबर बंगाल के केआरजी हॉस्पिटल के संदर्भ की है, जो पिछले 8 महीनों से समाचार पत्रों के पहले पन्ने में लगातार प्रकाशित हो रही है। आज कॉलेज की प्रिंसिपल पर कई और गंभीर आरोप लगने की बात छपी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने अनियमितताओं के आधार पर 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने और सीआईएसएफ द्वारा अस्पताल की सुरक्षा अपने हाथों में लेने का समाचार संदर्भ छपा है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा के संदर्भ की है। इसमें बड़ा ही रोचक तथ्य छपा है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा है, जो पोलैंड और भारत की के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर हो रही है। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में होने वाली शिक्षक एवं कांस्टेबल भर्ती पर चुनाव परिणामों पर रोक लगने का संदर्भ आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है। चौथे संदर्भों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो विरोध है, उसके विरोध में दलित एवं आदिवासी संगठनों द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का संदर्भ प्रकाशित हुआ है। हालांकि 4-5 राज्यों को अगर छोड़ दें तो देश के बाकी राज्यों में इसका असर कम ही देखने को मिला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करना कितना प्रासंगिक है और कितना न्यायोचित है, जो आज का सार भी है और विमर्श का विषय भी है। इसलिए हमारा अनुरोध रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध के संदर्भ में आप अपनी राय अपनी कमेंट के माध्यम से हमें प्रसारित करें, ताकि इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन हो सके। इसी के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।